यू नो गाइस, बरेली एंड बदायूं में मैंने कितनी मार्केट विजिट की थी, इससे स्किन बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गई। तो फिर अब करते हैं फेशियल, एंड फेशियल मुझे घर का ही पसंद आता है। एंड गाइस, फेशियल स्टार्ट करने से पहले मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लूँगी। एंड मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सेटाफिल का स्किन क्लेंजर। एंड आप कोई भी फेस वॉश ले सकते हैं, या फिर अगर आपके फेस वॉश में स्क्रब मिक्स है तब तो और भी अच्छा क्लीनअप या फिर फेशियल होगा। तो फिर आप अच्छे से फेस को वॉश कर लेंगे। सबसे पहले अच्छे से फेस को पैड ड्राई करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना फेशियल। एंड गाइस, मुझे बाहर का फेशियल बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो किट ला के लोग करते हैं। मुझे पसंद है घर का फेशियल। एंड मैं यहाँ पर बहुत ही इजी सा फेशियल बताने वाली हूँ, एंड जिसके लिए आपको चंदन पाउडर यानी कि सैंडलवुड पाउडर आपको ज़रूर से चाहिए होगा। यहाँ मैंने एक चम्मच एलोवेरा जेल ले लिया, एंड उसके अंदर यूज़ करूँगी 1 टेबल स्पून सैंडल पाउडर। एंड बस अब क्या करना है, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक बहुत ही बेहतरीन क्लिंजर का काम करेगा ये, एंड आपके फेस को क्लीन करेगा डीपली। तो फेस पर जो भी डस्ट जम जाती है ना, हम लोग मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी डस्ट हमारे फेस के पोर्स में रह जाती है जो बाद में पिंपल्स की तरह निकलती है। एंड मेरे पिंपल्स हो भी गए थे, एंड स्किन को तो क्लीन करना ही था, तो मैंने सोचा कि हैदराबाद में ही जाके अच्छे से क्लीनअप करूँगी एंड आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो ये हो गया मेरा पैक यार, एंड अब चलते हैं क्लीन अप करने। एंड गाइस, इसको हम बहुत ही केयरफुली लगाएंगे अपने फेस पर। एंड जब ये फेस पर अच्छे से लग जाएगा तब फिंगर की हेल्प से अच्छे से फेस की मसाज करेंगे, फेस को क्लीन करेंगे। एंड जो भी मैंने प्रोसेस की है वीडियो में, आपको भी सेम वैसे ही प्रोसेस करनी है, तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। एंड गाइस, कोई भी स्किन टाइप इस फेशियल को यूज़ कर सकता है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एंड सैंडलवुड पाउडर हमेशा से आपकी स्किन के लिए बेस्ट माना गया है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपको ये फेशियल करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होने वाला है। आपकी स्किन जो है वो वन फेशियल में ही एक टोन इवन दिखेगी। एंड आप मुझे बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलने वाले हैं, क्योंकि ये इतना ईजी सा फेशियल मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड कई शादी की शॉपिंग में हम लोग इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपनी स्किन का ध्यान रखना बिल्कुल भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके कपड़े तभी अच्छे लगेंगे जब आप अच्छे लोगोगे। तो गाइस, मुझे अब अपनी स्किन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है जब तक कि शादी करीब नहीं आ जाती है। एंड यहाँ पर हमारी अनाया आ गई है, एंड मैं उसको देख रही थी कि वो कुछ कर तो नहीं रही, लेकिन वहाँ पर आतिफ भी थे एंड उसका ध्यान रखे हुए थे, तो मैंने अपना फेशियल डन किया। एंड गाइस, आपको फेस डायरेक्टली वॉश नहीं करना है, आपको ऐसे ही टिश्यू पेपर की हेल्प से या फिर आप वेट टिश्यूज़ भी ले सकते हैं, उसी से अपने जो भी फेस पर प्रोडक्ट लगा है उसको क्लीन करना है एंड उसके बाद अपने फेस को वॉश करना है। एंड यहाँ फर्स्ट स्टेप के बाद ही आपको एक अच्छी सी फील आ रही होगी, मेरे स्किन पर बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील कर रही हूँ मैं। एंड गाइस, इसके बाद हम लोग को सेकंड स्टेप पे जाना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके लिए आपको कोकोनट ऑयल लेना है एंड अपने फेस की अच्छे से मसाज करनी है। एंड गाइस, कोकोनट ऑयल आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। गाइस, कोकोनट ऑयल आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट करता है एंड आपकी स्किन पर एक नेचुरल शाइनिंग आती है। एंड गाइस, अगर आपकी स्किन पर सन बर्न हो गए हैं, रेड स्किन हो गई है, तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये। एंड कोकोनट ऑयल से आप 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फेस की मसाज कर लें, जिससे आपका जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, एकदम बटरी सॉफ्ट हो जाएगी। एंड इसमें मैंने आपको फेस मसाज के बहुत ही अच्छे अच्छे स्टेप बताए हैं जो आपके फेस की पफिनेस को कम करता है। एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये स्टेप्स। एंड आप अच्छे से वीडियो को देखिए, एंड इसी तरह से आपको ऑयल लेकर अपने फेस की मसाज करनी है, जैसे कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। एंड गाइस, मसाज कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पर एक टिश्यू पेपर ले लूँगी, एंड ये वेट टिश्यू पेपर नहीं होगा, एकदम कॉटन वाला लेना है। एंड अपने फेस को डैबिंग मोशन में अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि इसके बाद आप लगाएंगे फेस पैक। एंड अब फटाफट से बना लेते हैं फेस पैक। इसके लिए आपको लेना है कच्चा दूध, एंड उसमें ऐड करेंगे हम सैंडलवुड पाउडर, एंड इसको हम इतना लेंगे जितना अच्छे से एक पेस्ट बन जाए, एंड बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे।
एंड इसी के साथ हमारा फेस पैक जो है वो रेडी हो गया है। एंड अपने फेस पर इसको अच्छे से लगाना है फिंगर की हेल्प से, आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये फिंगर की हेल्प से लगाना काफ़ी पसंद है। तो अपने पूरे फेस पर मैं इस फेस पैक को एंड नेक पर भी अच्छे से लगा लूँगी। एंड गाइज, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा अच्छी थी, आप एक बार ट्राई कीजिए ये फेशियल एंड मेरे साथ इसके रिव्यूज ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको फर्स्ट टाइम में ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा एंड कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और मैं हमेशा ऐसी ही वीडियो लेकर आती हूँ जिससे आपकी स्किन को आपको कोई भी हार्म नहीं पहुँचे। एंड ये वाला फेशियल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मैंने 4-5 बार करके अच्छे से ट्राई कर लिया था एंड कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। एंड सारे स्किन टाइप पर मैंने इसको ट्राई कर चुकी हूँ एंड अलग अलग लोगों से मैंने ट्राई करवाया था एंड सभी को रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो प्लीज़ गाइस, ये वाला फेशियल ज़रूर करके देखिए एंड रिव्यूज़ जो भी आपको फीडबैक देना है मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कॉमेंट्स का, आपके लाइक्स का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार रहता है। एंड गाइज, वो कमेंट्स एंड वो लाइक मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। एंड मैं इसी तरह से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। एंड गाइज, इस पैक को छोड़ना है 15 से 20 मिनट जो कि अच्छे से जब तक नहीं सूख जाए। आपको ये फेस पैक अपने फेस से बिल्कुल भी नहीं हटाना है। एंड मैं थोड़ा सा काम करने के बाद मैंने देखा कि मेरा जो फेस था वो बहुत ही अच्छे से ड्राई हो गया था। एंड इस तरह से आपको ये जो फेस पैक है वो इसी तरह से हटाना है रब करते हुए। एंड गाइज, इस टाइम मुझे अपनी स्किन इतनी ज्यादा सॉफ्ट लग रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। एंड गाइज, इस तरह से जब आपका पूरा फेस पैक अच्छे से आपके फेस से हट जाए उसके बाद आपको अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। आपको कोई भी सोप, आपको कोई भी फेस वॉश का यूज़ नहीं करना है। आपको गर्म पानी से फेस नहीं धोना है, आपको ठंडे पानी से भी फेस नहीं धोना है। आपको सिर्फ यूज़ करना है नॉर्मल वाटर जिससे आपकी स्किन और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। एंड इसी के साथ हो गया है फेशियल कंप्लीट। आप चाहें तो अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर इसके बाद यूज़ कर सकते हैं। गाइस, मैं विटामिन ई का कैप्सूल जो है वो एलोवेरा जेल में मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ, अगर ये फेशियल मैंने रात भी किया है तो। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है एंड अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।